Assalamualaikum everyone, my name is Mudassir Inaam, founder of Job Headhunter और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने business idea को analyze कर सकते हैं कि वो successful है या नहीं। Within few minutes आप अपने business को analyze कर सकते हैं जो आप start करने जा रहे हैं कि वो successful होगा या नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, business करने का हमेशा दो तरीके होते हैं। पहला कि business में कूद जाओ, जो होगा देखा जाएगा। Second आप business में कूदो लेकिन स्पेसिफिक टास्क और आइडिया के साथ जो कि आपको बुरे वक्त में हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसके जरिए से आप अपना बिजनेस को ना सिर्फ सक्सेसफुल कर सकते हैं बल्कि टाइम टू टाइम उसको आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, वक्त से पहले रियलाइज कर सकते हैं कि आपको किन डिफिकल्टीज का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम इसको कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। ये एनालिसिस क्या होता है, ये चार पार्ट्स के ऊपर बेस करता है। पहला होता है स्ट्रेंथ, सेकंड होता है वीकनेसेस, थर्ड होता है अपॉर्चुनिटी एंड फोर्थ होता है थ्रेट। अब हम करते क्या है, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस आइडिया लेकर जा रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा आपका एकदम से चल पड़ेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है नहीं चल पाता, बिजनेस माइंड नहीं होता या आप उन चीज़ों को अहमियत नहीं दे पाते या आपको उस टाइम फॉर एग्जाम्पल जब किसी के भी जहन में कोई बिजनेस आइडिया आता है ना तो उसको लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और फिर क्या करते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम तक प्रोसेस होता है और फिर सुबह वो कभी कभार सक्सेसफुल भी होता है, कभी कभार बंद भी हो जाता है। हम वर्क करते हैं उन बिजनेस के ऊपर जो कि बंद हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके जहन में कोई भी बिजनेस आइडिया है, ठीक है, आप उसको क्या करें, एक पेज के ऊपर लिख लें कि वो आइडिया है क्या और उस बिजनेस में आपको क्या करना है। फिर उस बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस करें। शॉर्ट एनालिसिस मैंने बताया स्ट्रेंथ, आपने चार कॉलम बना लिए, ठीक है, पेज ऊपर एक फर्स्ट रो में आपने या फर्स्ट कॉलम में आपने लिखा स्ट्रेंथ, आपके बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है। सेकंड में लिखा वीकनेसेस, आपके बिजनेस की वीकनेस या वीक पॉइंट कौन से हैं। थर्ड में लिखा अपॉर्चुनिटी, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इन फ्यूचर आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। फोर्थ में आएगा थ्रेड्स, फोर्थ कॉलम में आएगा थ्रेड्स कि आपके बिजनेस को थ्रेड्स कौन कौन सी हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे खतरा हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस बंद हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अगर आपने ये चार्ट या ये काम आपने शॉर्ट एनालिसिस कर लिया तो वक्त से पहले आपके पास आइडिया मौजूद होगा कि आपको क्या करना है। पहला कॉलम था आपका स्ट्रेंथ, अब हमें स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किस तरह से करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक फास्ट फूड का बिजनेस ओपन कर लो, ठीक है, आपने कहा भाई मैं एक फास्ट फूड का बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ, तो सबसे पहली स्ट्रेंथ आपकी क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो करते हैं वो कहते हैं भाई हम क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे, हमारे इलाके में क्वालिटी खराब मिलती है, अच्छी क्वालिटी का फूड देंगे, ठीक है, आपने अच्छी क्वालिटी का फूड दे दिया, प्राइस उसकी क्या होंगी, क्या अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी मार्केट लोकेशन, आपकी जो टारगेट मार्केट है क्या वो उस प्राइस के अंदर चीज़ों को अफोर्ड कर रही है या नहीं। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं नहीं मैं अच्छा भी बनाऊंगा और सस्ता भी दूंगा, कैसे हो सकता है ये, ठीक है, अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई अगर मैं 70 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 70 रुपीज़ का कोई फास्ट फूड आइटम बना रहा हूँ और उसको 100 रुपीज़ का बेच रहा हूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाकी लोग क्या करते हैं 50 रुपये का बनाते हैं 100 रुपये का बेच रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को साथ आप मार्केट में गए तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, हो सकता है ना भी हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाए। स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए जो कि वाकई में आपकी स्ट्रेंथ हो। अगर आप कोई चीज़ सेम प्राइस पर बेच रहे हो अच्छी क्वालिटी में तो ये ऑप्शन आपके कॉम्पिटिटर के पास भी मौजूद है कि वो आपको गिराने के लिए या आपका बिजनेस को टफ टाइम देने के लिए वो भी उसी क्वालिटी पर आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा आप लोगों के दिमाग में। बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह से देखा कि बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के ऊपर, सिर्फ क्वालिटी के ऊपर, सेम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देंगे। तो जिस जगह से आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, जिस पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट को आप यूज़ कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी कर सकता है। फिलहाल वो नहीं कर रहा तो वो इसलिए नहीं कर रहा, उसके बाद कॉम्पिटिशन मौजूद नहीं, लेकिन जब कॉम्पिटिशन आएगा तो वो भी हो सकता है वही क्वालिटी उसी प्राइस में आपको दे। तो हमेशा याद रखना है कि अपनी स्ट्रेंथ आपकी ऐसी हो जिसको इजीली कोई भी आपको टक्कर ना दे सके। फिर स्ट्रेंथ के अंदर आपने क्या करा, आपने कहा भाई मैं फूड अच्छा कर दूंगा, ठीक है, प्राइस थोड़े से हाई कर दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली कोई फास्ट फूड आइटम, फास्ट फूड की एग्जांपल ले रहा था मैं, 100 रुपीज़ का मिल रहा है अवेलेबल है, 150 का अवेलेबल है, मैं 200 का दे दूंगा लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी दूंगा,
ठीक है आपने 200 का दे दिया, प्राइस सेट हो गए, लेकिन क्या आपकी मार्केट कंडीशन ऐसी है कि पब्लिक जो है या आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट मार्केट है, वो चीज़ 200 ही परचेज कर सकती है या नहीं, इस चीज़ को सबसे जहन में रखना है और ओपन माइंड के साथ अपनी स्ट्रेंथ को सोचना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ही ऐसी होती है कि आप उनको हाई क्वालिटी फूड या हाई ठीक है हाई क्वालिटी आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको बी ग्रेड पर आना पड़ता है, बी क्वालिटी पर आना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ ओपन माइंड होकर करनी है कि आपके बिजनेस की रियल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। रियल स्ट्रेंथ किस सेंस में हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जो प्लेस है आपकी वो आपकी अपनी है, आपको उसका रेंट नहीं देना पड़ता, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि यार मुझे इस जगह का फिलहाल फौरी तौर पर अगर मेरा बिजनेस नहीं भी चल रहा तो मैं उसका रेंट से एक तरह से थोड़ा सा आज़ाद हूँ। सेकंड स्ट्रेंथ आपकी किस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको जो कॉस्ट पड़ रही है आपके मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर, कि आपने कहा भाई कॉम्पिटिटर है उसको ये कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज मौजूद हैं, कुछ ऐसे लिंक्स मौजूद हैं कि मैं अपनी कॉस्ट रिडक्शन बहुत ईजिली कर सकता हूँ, या फिर कुछ इस तरह से न्यू लेकर आए मार्केट में जो मार्केट में अवेलेबल या आपसे हट करो। जैसे कि मैंने कहा फास्ट फूड की एग्जाम्पल है, तो आपने क्या करा एक फास्ट फूड खोला लेकिन उसके सेलिंग पॉइंट्स आपने बढ़ा दिए, तो आपकी अगर देखा जाए आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, सेम प्राइस में दे रहे हो और अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप एक न्यू विजन के साथ आए, आपने अपने सेलिंग पॉइंट बढ़ा दी, आपने सोशल मीडिया का यूज़ करा, आपने डिलीवरिंग साइट्स का यूज़ करा, फूड पांडा वगैरह होगा उनसे रजिस्ट्रेशन करवा ली, इस तरह से बाकी लोगों को आपने राइडर से बात कर ली जो आपको फूड आपके एरिया में राइडर यानी कि डिलीवर कर दिया, आपने फ्री होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये क्या है, अब इसके ऊपर क्या है, आपका कॉम्पिटिटर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ना आए, आ सकता है लेकिन हो सकता है कि वो ना भी है, या इस बात को इस तरह से बेहतर कर लेंगे कि हो सकता है उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर आप उसको एक तरह से कहा जाए अपर क्लास में आप उसको कॉम्पीट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन में वापसी इन नहीं हो सकता, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी को लेकर, उसका वो ट्रेडिशनल बिजनेस है कि लोग उसी दुकान पर आ रहे हैं वो उसी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है फास्ट फूड वाला, उसने सिर्फ फास्ट फूड आइटम ही रखे हैं, आप क्या करो आप उसके साथ और नई चीज़ें को अपने फास्ट फूड के अंदर या अपने रेस्टोरेंट के अंदर आप एंटर करवा दो, जैसे कि शेक्स हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे कि लंच हो गया, फास्ट फूड सिस्टम ज़्यादा रात में चलते हैं पाकिस्तान में कल्चर है, तो डे में आपने कुछ और कर लिया जिससे आपकी सेल डबल हो जाएगी, प्लेस आपके पास मौजूद है, सेल्स आपकी डबल हो जाएगी। अब इसको अगर हम कहा जाए कि कोई बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है और वो कुछ वाइट कॉलर बिजनेस, वैसे तो बिजनेस सारे वाइट कॉलर होते हैं, किसी काम में शर्म नहीं है, लेकिन अगर कोई बिजनेस करना चाहता है वो कहता है यार मैं क्या बैठ कर एग्जाम्पल ले रहा हूँ फास्ट फूड की, रियल लाइफ में या मैं बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहूँ तो वहाँ पर तो होता नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर सोचा कि मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेता हूँ, ठीक है आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल दिया, सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बेसिक नीड क्या होती है आपके पास, आपके पास आपका स्टाफ, और अगर फर्नीचर में देखा जाए तो कंप्यूटर और उनका जो एक केबिन या डेस्क होती है जहाँ पर कंप्यूटर होता है, उनकी जो सिटिंग एरिया है वो होना चाहिए। आपने वो जगह रेंट पर ले ली, फॉर एग्जाम्पल उससे रेंट 25,000, आप क्या कर रहे हो सुबह 9 to 5 वहाँ पर काम कर रहे हो और अपना सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हो, वही काम आपका दूसरा कॉम्पिटिटर भी कर रहा है। आपने कहा मैं उससे अच्छे काम कर सकता हूँ, तो आपने क्या करा, आपने कुछ ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिससे आपके नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ आइटम बढ़ने का, जैसे कि अगर मैंने फास्ट फूड वाले में एग्जांपल दी थी तो मैंने कहा था कि सुबह में ब्रेकफास्ट कर ले, वैसे ही सॉफ्टवेयर हाउस में भी हो गया, आपने कहा भाई सुबह में मेरा सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है तो क्यों ना सेकेंड टाइम में या आप अपने नाइट शिफ्ट के अंदर उसी जगह को एज अ कॉल सेंटर यूज़ कर लें। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि अगर आपका कॉम्पिटिटर दोनों सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं तो आप उससे क्या यूनिक कर सकते हो या आप किस तरह से उसको कॉम्पीट कर सकते हो, तो आपने एक एडिशनल चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी कॉल सेंटर अपना, वहाँ से आपकी एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है उसी प्लेस के अंदर रहते हुए, एडिशनल आपको सिर्फ स्टाफ होगा उसी सैलरी वगैरह का आपको देखना होगा। थर्ड चीज़ आपने क्या करा, आपने कहा भाई स्टाफ मेरे पास मौजूद है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर हाउस खोला जो कि प्रोग्रामिंग कर रहा है, आपने कहा स्टाफ मेरे पास मौजूद है, प्लेस मेरे पास मौजूद है, क्यों ना मैं एक बंदा और हायर करूं जो कि वीडियोग्राफी या ग्राफिक के ऊपर काम करे, आप उसी के साथ साथ फोटोग्राफी का बिजनेस भी, फोटोग्राफर को ऑन कॉल आप हायर करते हो,
ठीक है, साथ साथ फोटोग्राफी का बिजनेस भी कर दो। तो जब आप इस तरह से बिजनेस करने जाओगे तो अपनी स्ट्रेंथ को रियल स्ट्रेंथ में लिखो और ऐसे मल्टीपल स्ट्रेंथ बनाओ कि अगर इन बाय डिफॉल्ट आपका ये काम वर्क नहीं करता तो आपका ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है। वीकनेसेस के अंदर आपको अपनी वीकनेसेस लिखनी होगी, जिस जैसे कि आपके बिजनेस की वीकनेस क्या क्या है आप अपने जहन में सोचो वो बताओ। और एक तरह से मैं वही बात कर रहा हूँ, ओपन माइंड के साथ सोचो कि आपकी वीकनेसेस, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं और आप उन वीकनेसेस को किस तरह से आप अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, या किस तरह से अगर आपने पहले से अपनी वीकनेसेस को जान लिया तो आप बहुत आसानी से अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तो आपकी वीकनेस ये हो सकती है गुडविल बनाने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, या आपकी वीकनेस ये हो सकती है कि अभी आपके पास कोई भी ओल्ड कस्टमर आपके पास मौजूद नहीं है, आपको कस्टमर जीरो से बनाना स्टार्ट करना है। आपकी वीकनेसेस ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है, और आपके पास अभी उनकी वेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी वीकनेसेस में आ सकती हैं। फिर हमारे पास आ गया है अपॉर्चुनिटी। जो भी बिजनेस स्टार्ट करने जाओ सबसे पहले देखो कि उसकी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मुझे क्या क्या आने वाली हैं तो मैं उसको अवेल कर सकूँ। जैसे कि फास्ट फूड का बिजनेस है आपके पास, कॉल सेंटर का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर हाउस आपने खोला हुआ है, तो आपको अपने आने वाले अपकमिंग मंथ्स की, अपकमिंग ईयर्स की अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में अवेलेबल होने वाली हैं उनका पता होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस खोले तो कौन कौन सी न्यू लैंग्वेजेस आपकी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई हैं जिनके पास वर्क हुआ जा रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आप पॉसिबिलिटी आपका वो स्टाफ मौजूद हो तो वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कि भाई ये चीज़ नहीं आने वाली है और मेरे पास इस चीज़ का स्टाफ मौजूद है ऑलरेडी, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में किसी को ब्लॉकचेन को का काम नहीं आता, किसी को फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट वैसे तो आता है, अगर किसी को नहीं आता तो आपने कहा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इन फ्यूचर मेरे पास ये काम होगा और मेरी इस चीज़ की ट्रेनिंग अभी से आती है या मैंने अभी से अपने इन लोग इन चीज़ों की ट्रेनिंग स्टार्ट करी हुई। फिर उसके बाद आता है हमारे पास थ्रेट्स। थ्रेट्स में क्या होता है कि किन किन चीज़ों की वजह से आपका बिजनेस बंद हो सकता है या आपको अपने बिजनेस को रिलेटेड कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह तो उससे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आ सकता है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज आपकी चेंज हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास से जा सकता है, तो ये सारी थ्रेट्स हैं। मार्केट वैल्यू आपकी हो सकता है, यानी कि मार्केट बिजनेस जो है वो आपका डाउनफॉल में चला जाए, ठीक है, तो ये सारी, या कोई न्यू कंपनी आपकी बड़ी कंपनी लॉन्च हो जाए, ठीक है, तो ये सारी आपके पास आती हैं थ्रेड्स। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करें ओपन माइंड के साथ अपने बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस ज़रूर करें। इससे होगा क्या, आपको उसी टाइम में विद इन फ्यू मिनट्स विद इन फ्यू आवर्स आपको पता चल जाएगा ये बिजनेस मार्केट में कितना रन करेगा या कितना नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बिजनेस आता है बड़े दिनों तक वो चलता रहता है, हम कहते हैं भाई इससे अच्छा बिजनेस है ही नहीं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप चले जाते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है यार वो साउंड नहीं कर रहा बिजनेस जैसा कि मेरी सोच में था, जैसा कि मैं सोचता था वैसा बिजनेस साउंड नहीं कर रहा, क्यों, आपने सिर्फ उसका पैसा आना देखा है, यूं मैं लगाऊंगा और ऐसे पैसा आ जाएगा। एफर्ट कौन सी चाहिए, पैसा आएगा जरूर आएगा, कौन सी एफर्ट चाहिए, कौन से आइडियाज चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास इन फ्यूचर आने वाली है जो आपको अभी रेवेन्यू जनरेट करके ना दे रही है लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत देंगी, या मार्केट थ्रेट्स कौन सी थी जिसको आपने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने कहा मैं बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ फूड रेस्टोरेंट खोलूंगा ये करूंगा, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, बड़ा अच्छा रश आएगा ये आएगा, आपने खोल कर बैठ गए, दो दिन बाद गवर्नमेंट की गाड़ी आई, उन्होंने क्या करा, सामने वाला जो आपको बड़ा प्यास है, एक स्ट्रीट बनी हुई रोड बना था उसको खोद कर डाल दिया, आपका बिजनेस एक महीने के लिए डेढ़ महीने गवर्नमेंट के काम इतने जल्दी नहीं सॉल्व होते, डेढ़ दो महीने के लिए आपका वो बिजनेस का अंदर कस्टमर्स आए नहीं। इस तरह की कंडीशन में आपने क्या करा ये मैटर करता है, आप दुकान बंद करके बैठ गए, दुकान बैठे रहे, कोई आएगा कस्टमर हवा में उड़कर तो मैं उसको दे दूंगा, या फिर आपने उससे रिलेटेड अपने उस थ्रेट को या अपने उस वीकनेस को किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी या स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेम्परेरी वहां पर रोड बना दिया, टेम्परेरी मतलब एक आउटवे बना दिया या टेम्परेरी एक तरह से एक ऐसा रास्ता बना दिया आपने जहां से कस्टमर आ सके,
या आपने क्या करा है, एक चैलेंजिंग का उस चीज को बना दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि सामने से आज आपका जो स्ट्रीट है, रोड है, वो किसी भी गवर्नमेंट वर्क की वजह से मुतासर हो रहा है, तो आपने क्या करा, कोई ऐसी ऑफर चला दी और कस्टमर को खींच कर लेकर आ गया आपकी तरफ। जैसे कि मैंने एक जगह इंटरनेट पर देख रहा था कि कोई रोड इसी तरह से खुदा हुआ था, एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर ऑफर लिख दी थी कि अगर आप हमारे पास ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आवर्स में आएंगे तो हम आपको 15% या 20% ऑफ देंगे। तो लोग क्या करते थे, बोले थे यार वो अभी कंस्ट्रक्शन टाइम चल रहा है, अभी जाकर लो, जो चीज़ आपको 120 रुपये की मिली थी वो पॉसिबिलिटी आपको 100 रुपये की मिल जाए, वही चीज़, वही मेन्यू, वही सब कुछ। तो ये चीज़ें आप जब कर सकते हो, जब आपका माइंड इस हिसाब से सेट हो, आपको सारी चीज़ें मुकम्मल इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस की और अपने कॉम्पिटिटर की अच्छे तरीके से मौजूद हो, इंशाल्लाह ताला इस शॉर्ट एनालिसिस के जरिए आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये बिजनेस आपका अच्छा रन करेगा और बहुत तेजी से ग्रो करेगा। खुदा हाफिज़।